नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मोरासर मित्र पर। आज हम लोग एक साथ कई सारे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा यानी कि नागों को जंगल में रिलीज करने जा रहे हैं तथा उसके साथ हमारे पास एक और जीव है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह इंसानों की कब्र खोद करके सड़ी गली मांस खाता है, यानी कि मरे हुए इंसानों की कब्र को खोद करके उनकी मांस खाता है। ऐसा उस जीव के बारे में कहा जाता है जो कि काफी फुर्तीला और खतरनाक जीव है। तो अभी जंगल में चल के हम लोग आपको उस जीव से रूबरू कराएंगे, उसको आपको दिखाएंगे व उसके बारे में आपको जानकारी भी प्रदान करेंगे तथा उसको उसी जंगल में रिलीज कर देंगे। सबसे पहले हम लोग सभी इंडियन स्पेक्टिकल कोबराज को रिलीज करेंगे। हम लोगों ने इन सभी कोबराज को 48 घंटे के अंदर रेस्क्यू किया हुआ था और कुछ रात के वक्त रेस्क्यू किया था, कुछ दिन में रेस्क्यू किया था और सभी को एक साथ हम लोग इकट्ठा इसलिए रिलीज कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हो गया है और बारिश का मौसम है, इस समय रेस्क्यूज भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। हम लोगों ने सभी सांपों को एक बैग में इसलिए रख लिया क्योंकि अलग अलग बैग से रिलीज करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे सांप निकल गए और एक एक करके सब अपने अनुकूलित वातावरण में जंगल की तरफ जा रहे हैं और देखते ही देखते यहाँ पर पूरा स्थान खाली हो चुका है, एक भी सांप शेष नहीं रह गया है। तो इसी क्लिप को हम लोग दोबारा आपको स्लो मोशन में दिखाएंगे ताकि आप लोग अच्छे से डिटेल में क्लियर देखें और इसके बाद हम उस निशाचर को रिलीज करेंगे और उसके बारे में आपको जानकारी देंगे जिसके बारे में यह बात काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है कि वह रात के वक्त मरे हुए इंसानों की यानी कि मुर्दों की कब्र को खोद करके उनकी मांस को खाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है उसका भी हम लोग आपको क्लियर विवरण देंगे। पहले फिलहाल आप लोग इन सांपों को देख लीजिए किस तरह से ये एक दूसरे में लिपटे हुए हैं और एक एक करके अपने अनुकूलित वातावरण में जा रहे हैं। अब बारी है उस निशाचर की जो अपने बारे में फैली हुई इस अफवाह को लेकर काफी ज्यादा मशहूर है कि वह मरे हुए इंसानों के सड़े गले मांस को खाता है। मतलब कि रात के वक्त वह कब्रिस्तान में जाकर के कब्र खोद करके पूरी की पूरी डेड बॉडी ही गायब कर जाता है, पूरी की पूरी लाश को चट कर जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, जब इसका रिसर्च हम लोगों ने किया तो हम लोगों ने पाया कि कई सारे वेबसाइट्स पर इसके बारे में ऐसे आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि ये रात के वक्त जाकर के कब्रिस्तान में पूरी की पूरी लाश खा जाता है, कब्र खोद करके पूरी लाश खा जाता है, इसीलिए इसका नाम कब्र बिज्जू भी पड़ा है। इसको गांव में हम लोग की तरफ कब्र बिज्जू कहा जाता है, अक्सर गांव में लोग इसको कब्र बिज्जू कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये कब्रिस्तान में जाकर के कब्र खोद करके सड़े गले मांस खाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। इसको बिल्कुल गलत तो नहीं कह सकते, मतलब कि ये ऐसा नहीं करता है, ये कब्रिस्तान में जाकर के कब्र को खोद करके इंसानों की मांस नहीं खाता है।
यह एक मांसाहारी जीव है जो कि छोटे जीवों को जैसे कि चूहे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े व चिड़ियों को खाता है तथा मरे हुए जीवों की भी मांस खाता है। यदि इसके समक्ष मरे हुए इंसान की मांस भी दी जाएगी तो ये उसको भी खा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये उसको नहीं खाएगा। अभी हम लोग इसको नजदीक से दिखा के इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी आपको बता दे ताकि अच्छे ढंग से आप लोग इसको पहचान सके और इसको जान सके। इसको हिंदी में बिज्जू कहा जाता है, ग्रामीण इलाकों में इसको कबर बिज्जू कहा जाता है, जैसा कि रीजन मैंने पहले ही बता दिया। अगर इसके इंग्लिश नाम की बात करें तो इसको स्मॉल इंडियन सीवेट कैट कहा जाता है, यानी कि इसको हम लोग कॉमन इंडियन सीवेट कैट भी कह सकते हैं। और ये एक मांसाहारी जीव है जो कि स्तनधारी होता है, यह अपने बच्चों को दूध पिलाता है। ये जो बिज्जू आप लोग सामने देख रहे हैं यह एक युवा मादा बिज्जू है, यानी कि एक छोटा बच्चा है, अभी ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। अगर हम लोग इसके नर की बात करें तो उसका रंग काला होता है और अगर मादा की बात करें तो उसका रंग हल्का भूरा होता है, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं। तो अभी आप लोग इसको पास से देख लीजिए किस तरह से ये दिखता है, किस तरह से इसकी बनावट होती है। इसके अलावा थोड़े भिन्न तरह के भी सीवेट कैट्स पाए जाते हैं। यदि हम लोग इनके प्रवृत्ति की बात करें तो यह आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं और जल्दी ही गुस्सा आ जाता है इनको और सामने वाले शिकार पर या फिर जो भी इनका शिकार करने की सोच रहा होता है उस पर हमला कर देते हैं। वैसे ये अकेले रहते हैं, जब ये छोटे होते हैं तो अपनी माँ के साथ रहते हैं, बड़े होने पर यह अकेले हो जाते हैं। घास पर इनकी पकड़ देखकर हमें याद आया कि यह पेड़ों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम लोग इसको यहाँ से ले जा करके पेड़ के पास में रिलीज करेंगे। फिर इसको जहाँ भी रहना होगा, यदि पेड़ पर चढ़ना होगा तो पेड़ पर चला जाएगा, अगर नीचे रहना होगा तो नीचे रहेगा। तो हम लोग इसी पेड़ के पास में इसको रिलीज कर देते हैं और यहाँ से ये अपने अनुकूलित जगह पर चला जाएगा और अच्छे ढंग से रह लेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह पेड़ पर भी चढ़ने का प्रयास कर रहा है, देखते हैं सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है। और पेड़ काफी ज्यादा मोटा और चिकना होने के कारण यह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, क्योंकि अभी ये छोटा बच्चा है इसलिए अच्छे ढंग से नहीं चढ़ पाया और नीचे की तरफ चला गया। उम्मीद करते हैं इस जगह पर यह अच्छे ढंग से रह लेगा और अच्छे ढंग से सर्वाइव कर लेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वह सीवेट कैट यानी कि कबर बिज्जू के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव या फिर कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।